हेलो, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाउन यानी संज्ञा। दीज आर आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नेम। दुनिया में हर एक चीज़ का एक नाम होता है। ऑल नेम्स और नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। इन नेम्स या नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। लाइक पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, एनिमल यानी जानवर, थिंग यानी वस्तु। तो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ नाउन इज, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। और नेमिंग वर्ड्स फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। लेट अस सी विद एन एग्जांपल। इन दिस पिक्चर विकी, हिज डॉग एंड हिज फ्रेंड आर प्लेइंग विद अ बॉल इन द गार्डन। हियर विकी एंड हिज फ्रेंड आर द एग्जांपल ऑफ पर्सन। डॉग इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल। बॉल इज द एग्जांपल ऑफ थिंग। एंड द गार्डन इज द एग्जांपल ऑफ प्लेस। तो आपने सभी चीज़ों के एग्जाम्पल्स देखे। बट द थिंग इज, अ नेम कैन बी कॉमन और स्पेशल, यानी कि नाम कॉमन भी हो सकता है और स्पेशल यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है। द स्पेशल नेम ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। तो वो स्पेशल नेम होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस एग्जाम्पल में विक्की एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो ये एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फ्रेंड, डॉग, बॉल, गार्डन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले पर्सन, मदर यानी कि माँ, फादर यानी कि पिता, टीचर यानी कि शिक्षक, फ्रेंड यानी कि मित्र। इसके साथ ही कोई नेम जैसे कि राम, सीता, जैकी, अनुराग, शुभम, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है प्लेस यानी कि स्थान। इसमें सबसे पहले आता है स्कूल, जी हाँ, जहाँ आप सभी पढ़ने जाते हैं। फिर आता है होम, जहाँ हम सभी रहते हैं। फिर आता है पार्क, जहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं। फिर आता है जू, जहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही किसी जगह का नाम जैसे अमेरिका, लखनऊ या चाइना, कुछ भी हो सकता है। अब आता है एनिमल्स यानी कि जानवर। सबसे पहले आती है काउ यानी कि गाय। फिर आता है डॉग यानी कि कुत्ता। फिर आता है लॉयन यानी कि शेर। फिर आती है कैट यानी कि बिल्ली। इसी तरह से और भी एनिमल्स और बर्ड्स के नेम सभी नाउन्स ही होते हैं। अब चलते हैं थिंग्स की तरफ यानी कि वस्तुएं। सबसे पहले आती है कार, जिसमें हम घूमने जाते हैं। फिर आता है आपका स्कूल बैग, जिसमें आप अपना सामान रखते हैं। फिर आती है क्लॉक, जिसमें आप टाइम देखते हैं। फिर आपका लंच बॉक्स। इसी तरह हैट, बॉटल, टेबल, चेयर, आपके आसपास जो भी सामान है सब। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस अबाउट नाउन। सबसे पहला सेंटेंस है, द मैन रीड्स अ न्यूज़पेपर। इन दिस सेंटेंस मैन एंड न्यूज़पेपर बोथ आर नाउन्स। मैन इंडिकेट्स पर्सन एंड न्यूज़पेपर इंडिकेट्स थिंग। सेकेंड सेंटेंस आता है आपका, अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। इन दिस सेंटेंस बॉय एंड प्लेग्राउंड बोथ आर नाउन्स। बॉय इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सन एंड प्लेग्राउंड इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेस। थर्ड आता है, आई गो टू स्कूल बाई बस। इन दिस सेंटेंस स्कूल एंड बस बोथ आर नाउन्स। स्कूल इज प्लेस एंड बस इज थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इन दिस सेंटेंस
Birds and sky both are nouns. Good. Next sentence आता है, A rose is a pretty flower. In this sentence, rose and flower both are examples of noun. तो बच्चों, आज आपने सीखा noun के बारे में, जो main है person, place, animal and things के name. अब अपने आसपास इन चीज़ों को ढूंढिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए. तब तक के लिए गुड बाय.